सलाम अलैकुम, वेलकम टू निगेस किचन। आज मैं आपके साथ ब्रेड पोटैटो स्नैक्स बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे ये 4 स्लाइसेस ब्रेड के चाहिए होंगे, 2 टेबलस्पून मैदा और 3-4 टेबलस्पून मोंजरेला चीज और 4 पोटैटो ये बॉयल हुए हुए मीडियम साइज के, और 1 टीस्पून मैंने ये जीरा लिया है भुना हुआ पिसा हुआ, और ये चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, ये चिली रेड चिली है 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है। ये ब्रेड क्रम मैंने बनाया हुआ है, जो कि बाद में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रिंग की शक्ल में काट लूंगी। ये मैंने 4 स्लाइसेस को राउंड शेप में काट लिया है, और ये तकरीबन ये 2, 2, 4, 2, 6 अदद हो गए, ये हमारे 3 बनेंगे कटलेट्स। अब मैं पोटैटो मैश करने लगी हूँ, और इसमें मसाले जो है वो ऐड करूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूंगी इस तरह। अब ये मैं देखे मैश कर लिए हैं पोटैटो, अब इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी ताकि सारा मसाला जो है पोटैटो में जगजान हो जाए, और अच्छी तरह से ये देखिए मिक्सिंग हो रही है। अब ये देखें बिल्कुल सारा मसाला जो है इसमें इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया था, अब थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी और हल्का हल्का इसको मिक्सिंग करते जाएंगे। ये देखें ये बैटर को ना इस फॉर्म में रखना है, ये देखें ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला, ठीक है। 1 चम्मच मैं ये लेती जाऊंगी और इसके छोटे छोटे से बोल बनाकर ये प्लेट में रख लेंगे। एक एक बोल लेके इसके अंदर रखकर इसको चम्मच से बराबर कर देंगे। और इस तरह ये क्यूब्स जो है उसको मैं 4 क्यूब्स को इसके अंदर इस तरह रखकर दूसरे स्लाइस को हम यूं रखेंगे, ठीक है। ये जो बैटर बनाया था मैदे का, मैं इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से इसको डिप करूंगी, और ये देखें डिप कर इसको फिर ब्रेड क्रम्ब में रख कर इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ठीक है। जब ये ऐसे हो जाएगा फिर इसकी साइड की जगह को भी ब्रेड क्रम्ब से ऐसे हम बंद कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा बाइंड हो गया और बंद हो गया। अब ये मैंने देखिए फ्राई पैन में रखा है, ये थोड़ा सा ज़रा बाइंड हुआ हुआ होता है, इसलिए बड़े आराम से आपने रखना है, और ताकि ये जब गोल्डन हो तो इसको फिर टर्न करना है। 5-10 मिनट बाद आप इसको टर्न करें, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, अब हम इसको आराम से फिर दोबारा कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया और बड़े अच्छे पैक में बना है बिल्कुल। अब मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके 2 जो है और बना लूंगी। ये कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और बहुत अच्छे आजकल सर्दियों का दिन है, इस तरह की चीज़ें बनानी जो है खाने में बहुत चाय में अच्छी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।
अल्लाह हाफिज़।